हे गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई एम इरम जहां एंड वेलकम बैक टू आर चैनल जहां एजुकेशन जोन सो टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फाइव पॉइंट एट ऑफ क्लास नाइन चैप्टर नेम इज पॉलीनोम एंड देयर फैक्टर्स एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज डॉक्टर सुधीर कुमार पुंदे सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर लेट्स गेट स्टार्ट सो इस एक्सरसाइज में हमें एक्सप्रेशन दी हुई हैं अलग तरीके की और सभी को फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व तो यहाँ पर तीन टर्म दिए हुए हैं और सबसे बड़ी पावर टू है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसे हमें फैक्टराइज करना है सबसे पहले हमें क्या करना होगा फर्स्ट टर्म हम वैसे ही नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद हमें ट्वेल्व जो लास्ट में दिया हुआ है टर्म इसे प्राइम फैक्टराइज करना होगा फर्स्ट टर्म के आगे कोई नंबर या डिजिट नहीं दिया हुआ है अगर दिया होता तो पहले मल्टीप्लाई करते फिर इसके बाद जो आता उसे प्राइम फैक्टराइज करते टू से हम इसे कैंसिल करेंगे टू की टेबल में सिक्स टाइम्स में ट्वेल्व आता है फिर टू की टेबल में थ्री टाइम्स में सिक्स आता है और थ्री की टेबल में वन टाइम में थ्री आता है तो इसे हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया अब इसे प्राइम फैक्टराइज हमने इसलिए किया है ताकि मिडल टर्म जो हमारे पास दिया हुआ है सेवन इसकी प्लेस में हम ऐसे डिजिट लिख सकें जिन्हें एड या लेस करने पर हमारे पास सेवन आ जाए ओके अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई टू में करें तो सिक्स आएगा और सिक्स में अगर हम टू ऐड कर देंगे तो एट आएगा और सिक्स में अगर टू माइनस करेंगे तो फोर आएगा सेवन नहीं आ रहा लेकिन अगर हम टू का मल्टीप्लाई टू में करें तो कितना आएगा हमारे पास फोर और इस फोर में अगर हम लास्ट वाले थ्री को ऐड कर दें तो हमारे पास सेवन आ जाएगा सारे के सारे डिजिट यूज होने चाहिए और एड या लेस होने पर हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए तो इसे आप चाहे थ्री प्लस फोर लिखिए या फोर प्लस थ्री एक ही बात है यहाँ पर हमने जब ट्वेल्थ को प्राइम फैक्टराइज किया तो सेवन की प्लेस में हमें क्या मिला थ्री प्लस फोर ओके okay. तो सेवन की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं थ्री प्लस फोर और मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा थ्री की टेबल फोर टाइम पढ़िए या फोर की थ्री टाइम्स पढ़ेंगे तब हमारे पास ट्वेल्व आएगा मल्टीप्लाई हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए अब सेवन की प्लेस में तो हमारे पास थ्री प्लस फोर आ गया कुछ अलग नहीं है बस दूसरी तरीके से लिखा है और एक्स हम बाहर नोट कर देंगे जैसे दिया हुआ है प्लस ट्वेल्व वैसे ही रहेगा अब फर्स्ट टर्म हम वैसे ही नोट करेंगे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वेर प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे इसके बाद थ्री है और एक्स थ्री का मल्टीप्लाई भी एक्स में करना होगा और इस फोर का मल्टीप्लाई भी हमें एक्स में करना होगा तो पहले थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ पर भी प्लस का साइन है और फोर के आगे भी प्लस का साइन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास सेम साइन सेम साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो प्लस ही रहेगा और फोर का मल्टीप्लाई एक्स में भी करना होगा तो फोर एक्स हो जाएगा प्लस ट्वेल्व वैसे ही रहेगा अब इतना करने के बाद ये एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव जैसा ही है जैसे वहां पर सॉल्व करते थे ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा मैं यहाँ समझाने के लिए ब्रैकेट ऑन कर देती हूँ और अगर आप डायरेक्ट कॉमन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल फोर टर्म्स थे तो इन्हें हमने दो दो टर्म में डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया अब इन्हीं दोनों टर्म में से हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर कॉमन क्या है कॉमन मीन्स होता है सेम तो यहाँ पर भी एक्स है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में भी हमारे पास थ्री के साथ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर एक्स कॉमन है तो जो छोटी पावर है वो हमेशा कॉमन होती है यहाँ पर एक्स की छोटी पावर क्या है सिर्फ एक्स यहाँ पर एक्स दो बार है और यहाँ पर एक बार तो एक बार दोनों में है तो यहाँ पर एक्स हमारे लिए कॉमन हो गया अब कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना होता है और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होता है जो हमने कॉमन नहीं लिया यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा हर एक टर्म में जिससे हमने कॉमन लिया यहाँ पर हमने एक्स कॉमन लिया एक्स को सबसे पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे यहाँ पर एक्स की पावर टू है और यहाँ पर वन टू में से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ x वन टाइम सिंपल है यहाँ पर दो एक्स है एक्स की पावर टू है तो एक एक्स बाहर है एक अंदर है, प्लस यहाँ पर थ्री वैसे ही रहेगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट सेम है ओके अब इसी तरह यहाँ पर प्लस रहेगा और इन दोनों में क्या कॉमन है तो अल्फाबेट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर फोर कॉमन है फोर फोर की टेबल में आता है और ट्वेल्व भी फोर की टेबल में आता है तो यहाँ पर फोर की टेबल में ये दोनों आ जाएंगे फोर की टेबल से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं फोर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा फोर की टेबल में फोर वन टाइम में आता है वन से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा और यहाँ पर प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे फोर की टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आता है डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा थ्री टाइम्स में तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा अब यहाँ पर वापस कॉमन आ गया एक्स प्लस थ्री इन दोनों टर्म में एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट में कॉमन है तो जो कॉमन है उसे हमें पहले लिखना होता है और बाद में ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखेंगे जो कॉमन नहीं है तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा और प्लस का साइन नोट कर देंगे एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री से यहाँ पर कैंसिल हो गया और सिर्फ और बचेगा एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी एट इसे भी हम फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर देंगे एक्स स्क्वायेर माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे और फर्स्ट टर्म के आगे कोई भी डिजिट या नंबर नहीं दे रखी है तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता इसके बाद हमें फोर्टी एट को प्राइम फैक्टराइज करना है तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं पहले और फिर डिजिट को देखेंगे किसे ऐड या लेस करने पर पर हमारे पास 14 आ रहा है सो so को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया अब प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या देखना है कि फोर्टीन हमारे पास सेंटर में आना चाहिए अब यहाँ पर हमें ऐसे डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना होगा जिन्हें ऐड या लेस करने पर हमारे पास फोर्टीन आ जाए यहाँ पर टू की टेबल अगर हम टू टाइम्स पढ़ें कितना आएगा फोर और फोर की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा एट इसी तरीके से थ्री की टेबल टू टाइम्स काउंट करेंगे तो कितना आएगा सिक्स और इन दोनों को ऐड करने में हमारे पास फोर्टीन आ जाएगा यहां पर फोर्टीन की प्लेस में हम लिख देंगे सिक्स प्लस एट और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्टी एट आएगा सिक्स की टेबल एट टाइम्स पढ़ लीजिए या एट की सिक्स टाइम्स तो फोर्टी एट आएगा और इन्हें ऐड करने में हमारे पास फोर्टीन आ रहा है एक्स वैसे ही रहेगा प्लस का साइन नोट कर देंगे और फोर्टी एट भी एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे सिक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करना होगा और प्लस एट का भी तो यहाँ पर सिक्स का मल्टीप्लाई पहले हम एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स एक्स यहाँ माइनस का साइन दिए यहाँ प्लस का तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होंगे माइनस में अलग साइन हमेशा माइनस में कन्वर्ट होता है एट का मल्टीप्लाई भी हमें एक्स में करना होगा तो एट का मल्टीप्लाई हम एक्स में करेंगे हो जाएगा एट एक्स और प्लस फोर्टी एट लास्ट का टर्म वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर हमें दो दो टर्म में कॉमन लेना होगा तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स में कॉमन लेना है तो इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स तो यहाँ पर हम एक्स कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा जो कॉमन नहीं है या कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है यहाँ पर एक्स की पावर टू है और यहाँ पर एक्स की पावर वन है टू में से वन माइनस करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा माइनस का साइन वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर सिक्स रहेगा वैसे ही और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया अब यहाँ पर हमें माइनस भी कॉमन लेना है और साथ में न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेट जो भी दे रखा है कॉमन वो भी लेना होगा तो यहाँ पर अल्फाबेट तो कॉमन नहीं दिया लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में हम एट कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एट की टेबल में एट आता है और फोर्टी एट भी आता है तो यहाँ पर एट कॉमन हो जाएगा अब ब्रैकेट ऑन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखेंगे जो कॉमन नहीं आया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल या फिर प्लस में कन्वर्ट हो गया ये समझ लीजिए एट से एट भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा तो फर्स्ट टर्म तो हमने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया अब इसी तरीके से माइनस एट का डिवाइड हमें फोर्टी एट में करना है प्लस के। तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होता है माइनस में यहाँ पर साइन हमेशा चेंज होगा अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन हमेशा चेंज होगा फर्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारा पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया अब एट की टेबल में फोर्टी एट कितने टाइम्स में आता है सिक्स टाइम्स में तो यहाँ पर सिक्स नोट कर देंगे अब एक्स माइनस सिक्स इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर जो कॉमन है उससे वन टाइम लिखना होगा अब एक ब्रैकेट में उसे लिखना होगा जो कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कॉमन क्या नहीं है फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा x x माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा x और माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे x माइनस सिक्स से एक्स माइनस सिक्स सेकेंड टर्म में भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बचा एट एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एटीन ये भी वैसे ही है फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट करेंगे एटीन को हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा यहाँ पर एटीन को हमने प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है तो यहाँ पर थ्री की टेबल अगर हम थ्री टाइम्स पढ़ें तो कितना आएगा अपने पास नाइन और नाइन में अगर हम टू ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास अलेवन लेकिन अगर टू माइनस कर दें तो हमारे पास सेवन आ जाएगा तो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो यहां पर सेवन की प्लेस में हम क्या नोट करेंगे नाइन माइनस टू और एक्स हम वैसे ही नोट कर देंगे बाहर ब्रैकेट के माइनस एटीन भी वैसे ही रहेगा अब एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है इसको वैसे ही नोट करेंगे माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट कर देंगे नाइन और एक्स का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा नाइन एक्स यहां पर माइनस साइन है और यहां पर भी माइनस का ही साइन है तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होते हैं प्लस में सेम साइन हमेशा प्लस में कन्वर्ट होते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और टू और एक्स का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा टू एक्स माइनस एटीन वैसे ही रहेगा अब इसके बाद दो दो टर्म में हमें कॉमन लेना होता है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स में कॉमन लेंगे क्या कॉमन है एक्स इन दोनों में एक्स कॉमन है ब्रैकेट ऑन कर देंगे एक्स की पावर यहाँ टू है यहाँ पर वन आ गया और वन हमने ब्रैकेट के अंदर नोट कर दिया माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ नाइन बचा प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट कर देंगे और इन दोनों में क्या कॉमन है अल्फाबेट में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में टू कॉमन है टू की टेबल में टू आता है और टू की टेबल में एटीन भी आता है मतलब टू से ये दोनों ही टर्म डिवाइड हो सकते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन है यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म में प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा प्लस माइनस माइनस में रहेगा टू की टेबल में एटीन कितने टाइम्स में आता है नाइन टाइम्स में तो नाइन नोट कर देंगे तो यहाँ पर दोनों साइड एकदम सेम वैल्यू आई है इसका मतलब यहाँ पर ये यह कॉमन है और हमेशा सेम आएगी भी x माइनस नाइन वन टाइम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म में कॉमन है अब जो कॉमन नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में नोट करना होगा यहाँ पर x बच रहा है तो x नोट कर देंगे और यहाँ पर प्लस टू बचा तो प्लस टू नोट कर देंगे x माइनस नाइन दोनों जगह कैंसिल हो गया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर भी वैसे ही है एक्स स्क्वायेर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस एटी फोर दिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो भी दे रखा है इसको वैसे ही नोट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे अब 84 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा यहां पर 84 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया है अब टू की टेबल अगर हम टू टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास आएगा फोर और सेवन की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ लीजिए थ्री की सेवन टाइम्स पढ़ लीजिए तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी में अगर हम फोर एड कर दें तो हमें कितना लाना है सेंटर में ट्वेंटी तो 25 हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव की प्लेस में हम ब्रैकेट के अंदर नोट करेंगे फोर प्लस ट्वेंटी वन आप ट्वेंटी वन प्लस फोर भी नोट कर सकते हैं बोथ आर करेक्ट तो यहां पर हो जाएगा फोर प्लस ट्वेंटी वन और एक्स हमारे लिए बाहर है ओके ब्रैकेट के बाहर हम हमेशा एक्स नोट करेंगे जो भी दे रखा हो प्लस का साइन वैसे ही नोट करेंगे और एटी फोर वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर नोट करेंगे माइनस का साइन दिए फोर दिए तो माइनस का साइन नोट कर देंगे फोर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा फोर एक्स इसी तरीके से माइनस प्लस यहाँ पर दो साइन है तो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में अलग साइन हमेशा माइनस में कन्वर्ट होते हैं ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई एक्स में करना होगा कितना आएगा ट्वेंटी वन एक्स प्लस का साइन वैसे ही नोट करेंगे इसके बाद वाला और एटी फोर भी वैसे ही रहेगा यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा अब x की पावर यहाँ टू है यहाँ पर वन यूज हो गया तो वन बचा अब माइनस का साइन वैसे ही नोट कर देंगे फोर भी वैसे ही नोट करेंगे x से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होगा इतना माइंड में आपको फिक्स करना होगा अब यहाँ पर क्या कॉमन है ट्वेंटी वन ओके ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में आता है और ट्वेंटी वन से अगर आप एटी फोर को डिवाइड करेंगे तो फोर टाइम में ट्वेंटी वन से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन नोट कर देंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ट्वेंटी वन से ट्वेंटी वन कैंसिल हो गया सिर्फ एक्स बचा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होंगे तो इन दोनों को डिवाइड करने में हमारे पास आएगा फोर ओके फोर टाइम्स में ही कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस फोर भी रिपीट हो रहा है तो इसको वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर नोट करेंगे एक्स माइनस फोर और कॉमन लेने के बाद क्या बचा एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बच रहा है एक्स तो यहाँ पर एक्स नोट कर देंगे इसके बाद हमारे पास माइनस दिया हुआ है तो माइनस नोट कर देंगे सेकेंड टर्म में भी एक्स माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस फोर से और क्या बचेगा ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन हम वैसे ही नोट कर देंगे एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स तो फर्स्ट टर्म हम वैसे ही नोट कर देंगे टू एक्स स्क्वायेयर प्लस का साइन दिया है इसके बाद तो प्लस का साइन नोट करेंगे अब लास्ट टर्म में हमारे पास सिक्स दिया है और फर्स्ट टर्म में हमारे पास टू दिया है अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे थे फर्स्ट टर्म में लेकिन यहाँ पर टू दिया हुआ है तो अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा ओके जब कुछ नहीं दिया होता तब हमारे लिए वन होता है और वन से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर सिक्स का मल्टीप्लाई जब हम टू में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वेल्व अब हमें सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है अब हमें किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा ट्वेल्व का सो फर्स्ट टर्म में हमारे पास टू दिया हुआ है लास्ट टर्म में हमारे पास सिक्स दिया हुआ है तो यहां पर कितना आ गया अपने पास ट्वेल्व अब इस ट्वेल्व को हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा यहां पर हमने ट्वेल्व को प्राइम फैक्टराइज कर दिया अब यहां पर हमें सेवन लाना है ओके okay. तो टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे अपने पास फोर आ जाएगा और फोर में थ्री ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेवन आ जाएगा सेवन की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे थ्री प्लस फोर और एक्स बाहर रहेगा प्लस सिक्स वैसे ही नोट कर देंगे अब टू एक्स स्क्वायर वैसे ही नोट करेंगे प्लस का साइन भी वैसे ही रहेगा थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में कुछ भी चेंज नहीं होता प्लस प्लस पॉजिटिव रहेगा फोर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो फोर एक्स हो जाएगा इस एक्स का मल्टीप्लाई दोनों ही डिजिट में करना होता है प्लस सिक्स वैसे ही रहेगा तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स में हम कॉमन लेंगे एक्स क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर टू दिया हुआ है यहाँ पर थ्री एक दूसरे की टेबल में और कोई ऐसी टेबल भी नहीं है जिसमें टू और थ्री दोनों आते हो ओके तो ये कॉमन नहीं हो सकते तो यहाँ पर सिर्फ एक्स कॉमन है तो एक्स नोट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास टू बचेगा और एक्स की पावर यहाँ टू है टू में से वन यहाँ नोट है तो एक बार एक्स यहाँ नोट कर देंगे प्लस का साइन वैसे ही रहेगा थ्री भी नोट करेंगे क्योंकि ये भी कॉमन नहीं है एक्स से एक्स कैंसिल हो गया प्लस का साइन वैसे ही रहेगा इन दोनों में क्या कॉमन है ये दोनों टू की टेबल में आते हैं तो यहाँ पर टू कॉमन लिख देंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे टू से अगर हम इसको डिवाइड करें फोर को तो टू की टेबल में फोर कितने टाइम्स में आता है टू टाइम्स में और x वैसे ही नोट कर देंगे प्लस पॉजिटिव ही रहता है दोनों साइड सेम साइन है अब टू से हमें सिक्स को डिवाइड करना होगा तो टू की टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में तो थ्री आ जाएगा अब यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री कॉमन है ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है यहाँ पर x फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बचा प्लस टू बाकी सब कैंसिल हो गया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या दिया हुआ है टू एक्स स्क्वेर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन तो फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर देंगे टू एक्स स्क्वेर माइनस का साइन भी वैसे ही रहेगा अब फिफ्टीन की टेबल पहले टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा थर्टी क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होता है आप थर्टी को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और सेंटर में हमें कितना लाना है थर्टीन एड और लेस करने के बाद हमें सेंटर में कितना लाना है थर्टीन और यहाँ पर थर्टी को हमने प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है अब फाइव की टेबल अगर हम थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन में टू माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्टीन आएगा लेकिन अगर हम माइनस का साइन सेंटर में लेंगे तो फिर लास्ट में हमारे पास कॉमन नहीं आ पाएगा और हमारा सॉल्यूशन गलत माना जाएगा ओके तो यहाँ पर हमें साइन का भी बहुत ध्यान रखना होगा कि दोनों साइड कॉमन हमारे पास आना चाहिए तभी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट माना जाएगा तो यहाँ पर अगर हम फाइव का मल्टीप्लाई टू में करें तो कितना आएगा टेन और टेन में थ्री ऐड कर देंगे जो थ्री बच रहा है तो हमारे पास थर्टीन आ जाएगा तो यहाँ पर थर्टीन की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे टेन प्लस थ्री और x हमारा बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के प्लस फिफ्टीन वैसे ही रहेगा फर्स्ट हम वैसे ही नोट कर देंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि टेन के आगे कोई साइन नहीं और टेन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स अब माइनस और यहाँ पर थ्री के आगे प्लस का साइन माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होंगे माइनस में क्योंकि अलग साइन है और थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा प्लस फिफ्टीन वैसे ही रहेगा अब फर्स्ट टू टर्म्स में हम कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर और दूसरा वाला क्या है माइनस टेन एक्स ओके okay. अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पर कॉमन है और अल्फाबेट भी यहाँ पर कॉमन है तो टू की टेबल में टू आता है और टेन भी आता है तो यहाँ पर टू कॉमन हो जाएगा और एक्स भी कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट ऑन करेंगे टू से टू कैंसिल हो गया एक्स की पावर यहाँ टू है तो वन यहाँ है वन यहाँ पर नोट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन वैसे ही रहेगा टू की टेबल में टेन कितने टाइम्स में आता है फाइव टाइम्स में और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया डिवाइड होने में माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो हमेशा साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है थ्री के टेबल में थ्री आता है और फिफ्टीन भी आता है तो थ्री कॉमन हो जाएगा अल्फाबेट में कुछ भी कॉमन नहीं है थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एक्स बचेगा माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो होगा यहाँ पर प्लस माइनस दो साइन है अलग साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे थ्री के टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स में आता है फाइव टाइम्स में अब यहाँ पर एक्स माइनस फाइव रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस फाइव वैसे ही नोट कर देंगे और जो कॉमन नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में नोट करना होता है तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा 2x तो 2x नोट कर देंगे और माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट करेंगे और थ्री भी वैसे ही नोट करेंगे एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है फर्स्ट टर्म हम नोट करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट कर देंगे यहाँ पर एट है लास्ट टर्म में और फर्स्ट टर्म में हमारे पास थ्री है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा एट की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर को हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा ओके ट्वेंटी फोर को हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज कर दिया सेंटर में हमें क्या दिया हुआ है फोर्टीन ऐड तो और लेस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए फोर्टीन तो यहाँ पर थ्री की टेबल अगर हम टू टाइम्स पढ़ें तो कितना आएगा सिक्स और सिक्स की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व तो ट्वेल्व आने के बाद अगर हम इसमें टू ऐड कर दें तो हमारे पास फोरटीन आ जाएगा फोर्टीन की प्लेस में हम नोट कर देंगे ट्वेल्व प्लस टू ओके और एक्स बाहर रहेगा प्लस एट वैसे ही नोट कर देंगे सेकेंड स्टेप में भी वैसे थ्री एक्स स्क्वायर नोट कर देंगे माइनस का साइन दिए और ट्वेल्व के आगे कोई साइन ही नहीं है तो माइनस का साइन वैसे ही रहेगा ट्वेल्व का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस साइन दिया है बाहर और ब्रैकेट के अंदर दिया है प्लस का साइन तो दो अलग साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे टू का मल्टीप्लाई एक्स में करना होगा तो टू एक्स हो जाएगा प्लस एट वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी कॉमन है और अल्फाबेट भी कॉमन है थ्री की टेबल में थ्री आता है और थ्री की टेबल में ट्वेल्व भी आता है तो यहाँ पर थ्री कॉमन हो जाएगा और एक्स भी कॉमन है दोनों में तो एक्स कॉमन लिख देंगे अब ब्रैकेट ऑन करेंगे थ्री से थ्री कैंसिल हो गया एक्स की पावर यहाँ टू है वन टाइम यहाँ लिखा हुआ है तो वन टाइम ब्रैकेट के अंदर नोट कर देंगे माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे अब थ्री एक्स से ट्वेल्व एक्स को डिवाइड करेंगे थ्री की टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आता है फोर टाइम्स में एक्स से एक्स कैंसिल हो गया माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होंगे अंदर अब इन दोनों में क्या कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू टू की टेबल में टू आता है और एट भी आता है तो यहाँ पर टू कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट ऑन कर देंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गए टू से टू कैंसिल हो गए तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होते हैं माइनस में टू की टेबल में एट कितने टाइम्स में आता है फोर टाइम्स में अब यहां पर एक्स माइनस फोर रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कॉमन है तो इसको वैसे ही नोट कर देंगे और जो कॉमन नहीं है वो क्या है थ्री एक्स और दूसरे टर्म में माइनस टू इसको वैसे ही नोट करेंगे एक ब्रैकेट में एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर एट भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन था बस साइन चेंज हो गया और सेंटर की वैल्यू चेंज हो गई ओके यहाँ पर क्या दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस एट यहाँ पर फर्स्ट टर्म वैसी रहेगा थ्री एक्स स्क्वायेयर प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट करेंगे एट की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे ट्वेंटी फोर आएगा ट्वेंटी फोर को प्राइम फैक्ट्राइज करेंगे और डिजिट को एड और लेस करने में टेन आना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है थ्री और एट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास ट्वेंटी फोर आएगा उसे जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी अब सेंटर में हमें क्या चाहिए सिर्फ टेन ओके फोर्टीन नहीं चाहिए तो टेन चाहिए इसके लिए हमें ट्वेल्व में से टू माइनस करना होगा एड नहीं करना होगा माइनस कर देंगे तो हमारे पास टेन आ जाएगा टेन की प्लेस में हम क्या नोट करेंगे ट्वेल्व माइनस टू ओके और x वैसे ही नोट करेंगे माइनस एट फर्स्ट वैसे ही नोट करेंगे थ्री एक्स स्क्वा प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स और प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और ये है टू एक्स माइनस एट वैसे ही नोट कर देंगे इन दोनों में कॉमन क्या है थ्री एक्स और ब्रैकेट ऑन करेंगे थ्री से थ्री कैंसिल एक्स की पावर टू थी एक बार बचा एक्स प्लस का साइन वैसे ही नोट करेंगे थ्री के टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आएगा फोर टाइम्स में एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर टू की टेबल में टू और एट दोनों आते हैं तो टू भी कॉमन है ब्रैकेट ऑन करेंगे माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए टू से टू कैंसिल हो गया और यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा माइनस माइनस सेम साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे टू से अगर डिवाइड करें एट को तो कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा फोर टाइम्स में तो एक्स प्लस फोर यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो कॉमन है उसको हमने एक ब्रैकेट में पहले लिखा क्योंकि वो ब्रैकेट में दिया ही हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में हम किसको लिखते हैं जो कॉमन नहीं है ओके तो यहां पर क्या है थ्री एक्स माइनस टू एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन में भी हमें फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है एट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ब्रैकेट में माइनस फिफ्टीन ओके तो ये थोड़ा लेंदी वैल्यू दे रखी है इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां नोट करते हैं लेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए ओके यहां पर जो एक्स प्लस टू दिया हुआ है इसकी जगह पर हम ए एज्यूम कर रहे हैं एक्स नहीं एज्यूम करेंगे क्योंकि एक्स दिया हुआ है तो एक्स को छोड़कर जो भी आप एज्यूम करना चाहें एज्यूम कर सकते हैं तो मैंने यहां पर ए एज्यूम किया हुआ है ओके और सेकेंड वाली भी उन्होंने एक्स प्लस टू ही दिया है तो ये ए रहेगा कुछ और दिया होता तो बी मान लेते हैं ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे शॉर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में उसे ए बी सी कुछ भी मानना होगा अब इसे एज्यूम करने के बाद हमें x प्लस टू जहां पर भी लिखा है ब्रैकेट में उसकी प्लेस में क्या लिख देना है a यहां पर हम नोट करेंगे एट ए स्क्वा ब्रैकेट में x प्लस टू दिया हुआ है इसकी प्लेस में आ गया a माइनस फिफ्टीन अब इसके बाद ये वैसे ही एक्सप्रेशन हो गई जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे x की जगह पर बस a हो गया क्योंकि यहां पर x दिया हुआ है इसलिए हम एक्स प्लस टू की प्लेस में क्या एज्यूम कर देंगे ए सबसे पहले फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर देंगे फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है दियार प्लस का साइन वैसे ही रहेगा अब फिफ्टीन का मल्टीप्लाई हमें एट में करना होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं जब हम एट और फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अपने पास वन ट्वेंटी आप डायरेक्ट फिफ्टीन की टेबल एट टाइम्स पढ़ेंगे तब भी वन ट्वेंटी आ जाएगा तो यहाँ पर वन ट्वेंटी आने के बाद हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना होगा यहाँ पर हमने 120 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया अब हमें ऐड और लेस करने में कितना लाना है सेंटर में टू तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है टू इंटू टू इंटू थ्री इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे फोर और फोर की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास ट्वेल्व आ जाएगा और फाइव और टू का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो कितना आएगा हमारे पास इन तीनों का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास ट्वेल्व आ रहा है फाइव और टू का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास टेन आएगा और इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा टू यहाँ पर टू की प्लेस में हमारे पास क्या आया ट्वेल्व माइनस टेन ओके ट्वेल्व में से टेन माइनस करेंगे तो हमारे पास टू बचेगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी आएगा दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन इन टू एट और ए वैसे ही नोट कर देंगे माइनस फिफ्टीन वैसे ही रहेगा फर्स्ट टर्म हम वैसे ही नोट करेंगे एट ए स्क्वायर प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे ट्वेल्व का मल्टीप्लाई ए में करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेल्व ए अब यहाँ प्लस का साइन है और टेन के आगे माइनस का साइन है प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा टेन ए माइनस फिफ्टीन वैसे ही रहेगा तो एट ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं क्या है एट और ट्वेल्व ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं तो बड़ी से बड़ी टेबल देखनी होगी टू में भी आते हैं फोर में भी आते हैं तो यहाँ पर फोर कॉमन हो जाएगा अब यहाँ पर ए कॉमन है तो ए की कम वाली पावर हम कॉमन नोट कर देंगे अब कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बच रहा है वो हमें ब्रैकेट के अंदर नोट करना होता है तो फोर ए से हम एट ए स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे फोर की टेबल में एट कितने टाइम्स में आएगा टू टाइम्स में और यहाँ पर ए की पावर टू है एक बार यहाँ नोट हो चुकी है तो एक बचा ओके प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट कर देंगे फोर की टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में और ए से ए कैंसिल हो गया माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं फाइव की और अल्फाबेट यहाँ पर कॉमन नहीं माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए प्लस में फाइव की टेबल में टेन कितने टाइम्स में आता है टू टाइम्स में और ए वैसे ही रहेगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए प्लस में फाइव की टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में यहाँ पर फिर से कॉमन आ गया क्या टू ए प्लस थ्री ब्रैकेट में तो यहाँ पर नोट कर देंगे इसे टू ए प्लस थ्री ये हमारे लिए कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है उससे ब्रैकेट में नोट करना होता है यहाँ पर क्या कॉमन नहीं है हमारे पास फोर ए माइनस फाइव ओके okay. तो ये हमारे लिए कॉमन नहीं है अब यहां पर इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें ए है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है एक्स प्लस टू ओके तो एक्स प्लस टू की प्लेस में हमने ए माना था तो ये ए में तो हमें आंसर नहीं देना है ओके okay. तो अब हमें ए की जगह पर क्या लिखना होगा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू लिखने के बाद इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा अब यहाँ पर देयर फोर का साइन बना देंगे और लास्ट में अपने पास क्या आया टू ए प्लस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में फोर ए माइनस फाइव यहाँ पर टू वैसी रहेगा और ए की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे एक्स प्लस टू और प्लस थ्री वैसी रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर बिग ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे और आगे इक्वल का साइन बना देंगे ओके अब ए की प्लेस में हमें जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो लिखनी होगी क्योंकि ए हमने अज्यूम किया था ए की जगह पर हमने क्या नोट कर दिया ब्रैकेट में एक्स प्लस टू ओके और प्लस थ्री वैसे ही नोट कर दिया टू भी आगे दिया हुआ है तो उसको भी वैसे ही नोट कर दिया सिमिलरली यहाँ पर जो सेकेंड ब्रैकेट दे रखा है इसमें भी वैल्यू हमें ए की पुट करनी होगी फोर की जगह पर फोर वैसे ही नोट कर देंगे ए की प्लेस में हमारे पास क्या है ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस टू वो नोट कर देंगे माइनस फाइव वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अब इसके बाद टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा फोर और प्लस थ्री वैसे ही नोट कर देंगे और ब्रैकेट जो छोटा वाला है वो हट जाएगा और बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर भी फोर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो फोर एक्स हो जाएगा और फोर का मल्टीप्लाई प्लस टू में करेंगे तो प्लस फोर टू जार एट माइनस फाइव वैसे ही नोट कर देंगे और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से हट गया और बिग ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो गया स्मॉल ब्रैकेट में अब इसके बाद इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे यहाँ पर यह और सॉल्व हो सकता है यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स क्योंकि इसके नेचर का कोई और नहीं है यहाँ पर लेकिन रियल नंबर यहाँ पर क्या है फोर और थ्री ठीक तो ये नंबर सेम नेचर के हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर प्लस थ्री मतलब सेवन प्लस के सेवन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो गया टू एक्स प्लस सेवन और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है फोर एक्स और एक्स के बाद हमारे पास कुछ रिपीट नहीं हुआ एक्स वाली वैल्यू तो ये वैसे ही रहेगा एट और फाइव ये दोनों सेम नेचर के हैं तो एट प्लस का है फाइव माइनस का प्लस माइनस माइनस पे कन्वर्ट हो जाएंगे एट में फाइव माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास थ्री और बड़ी वाली वैल्यू के आगे कौन सा साइन है प्लस का तो प्लस थ्री हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नाइन का सेकंड पॉइंट भी वैसे ही है यहाँ पर हमें ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और एक और ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है टू एक्स माइनस वन तो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू को हमें ए और दूसरी वाली वैल्यू को ब्रैकेट में जो दे रखी है उसे बी एज्यूम करना होगा तो यहां पर हम नोट कर देंगे लेट ए की प्लेस में हमारे पास क्या है फर्स्ट ब्रैकेट इसमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायेर प्लस सेवन एक्स ओके इसे हम ए एज्यूम करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है टू एक्स माइनस वन तो इसे हम बी एज्यूम करेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स लिखा है ब्रैकेट में वहां पर हम क्या नोट कर देंगे ए और जहाँ पर टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहां पर हम बी नोट कर देंगे अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहां पर क्या आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स दिया है ब्रैकेट में तो इसकी प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे ए और स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे इसके बाद क्या है माइनस एट तो माइनस एट वैसे ही नोट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ए नोट कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन भी दिया हुआ है तो इसकी जगह पर हम बी नोट कर देंगे माइनस फिफ्टीन वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट में लास्ट में क्या दिया हुआ है टू एक्स माइनस वन स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टू एक्स माइनस वन की प्लेस में हमें बी लिखना है और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर नोट कर दिया अब इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर देंगे ट्वेल्व ए स्क्वायर माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट कर देंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म में जो भी नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर ट्वेल्व और फिफ्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर ट्वेल्व और फिफ्टीन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा और वन को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी आप जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करना चाहते हैं उस तरीके से कर लीजिएगा अब हमें सेंटर में कितना चाहिए एट तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि किस में आ सकता है तो यहाँ पर थ्री का मल्टीप्लाई अगर हम थ्री में करें तो कितना आएगा नाइन और नाइन का मल्टीप्लाई टू में करें तो हमारे पास आएगा एटीन तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ रहा है एटीन और फाइव और टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन एटीन में से टेन माइनस कर देंगे तो हमारे पास एट आ जाएगा एट की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा एटीन माइनस टेन और इसके बाद ए भी लिखा हुआ है तो इसे ब्रैकेट के बाहर नोट कर देंगे ए बी माइनस फिफ्टीन बी स्क्वायर ही रहेगा अब इसके बाद ट्वेल्व ए स्क्वायर भी वैसे ही नोट कर देंगे फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा माइनस का साइन नहीं है एटीन के आगे कोई साइन नहीं है तो माइनस वैसे ही रहेगा एटीन का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो एटीन ए भी हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन है और टेन के आगे भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में यहाँ पर टेन आ गया और इसका मल्टीप्लाई भी ए बी में करेंगे तो टेन ए बी हो गया माइनस फिफ्टीन बी स्क्र वैसी रहेगा अब इसके बाद हमें कॉमन लेना होगा तो यहाँ पर ट्वेल्व ए स्क्वायर दिया है और यहाँ पर एटीन ए बी तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे किसकी टेबल में ट्वेल्व और एटीन आता है तो वो बड़ी से बड़ी टेबल देखनी होगी जिसमें ट्वेल्व और एटीन आ जाए सिक्स हम यहाँ पर कॉमन लेंगे और अल्फाबेट में हमारे पास क्या कॉमन है ए अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे जो कॉमन लेने के बाद बच रहा है तो सिक्स की टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आता है टू टाइम्स में इसे डिवाइड करेंगे ए की पावर टू है यहाँ पर ए तो ए बचा माइनस का साइन वैसे ही रहेगा अब सिक्स ए से डिवाइड करेंगे एटीन ए बी में सिक्स की टेबल में कितने टाइम्स में एटीन आता है थ्री टाइम्स में ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी बच गया प्लस का साइन वैसे ही नोट कर देंगे अब यहाँ पर टेन दिया हुआ और यहाँ पर फिफ्टीन फाइव की टेबल में ये दोनों आते हैं फाइव कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है बी ब्रैकेट ऑन करेंगे फाइव से डिवाइड करेंगे टेन को कितने टाइम्स में डिवाइड होगा टू टाइम्स में ए बच रहा है बी से बी कैंसिल हो गया माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव दो अलग साइन हमेशा माइनस में कन्वर्ट होते हैं फाइव की टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स में आएगा थ्री टाइम्स में तो ये थ्री टाइम्स में कैंसिल हो गया बी की पावर यहाँ टू है और यहाँ पर वन तो एक बार बच गई तो इसे नोट कर देंगे टू ए माइनस थ्री बी और जो कॉमन नहीं है उसे एक ब्रैकेट में नोट करेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है सिक्स ए क्योंकि टू ए माइनस थ्री बी से टू ए माइनस थ्री बी कैंसिल हो गया प्लस का साइन आ जाएगा फाइव बी बच रहा है यहाँ पर और टू ए माइनस थ्री बी से ये कैंसिल हो गया कितना करने के बाद अभी सॉल्यूशन हमारे पास ए बी के फॉर्म में आया है तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ए बी नहीं है तो क्वेश्चन में ए की प्लेस में जो दिया है वो नोट करेंगे और बी की प्लेस में जो दिया हुआ है वो नोट कर देंगे तब जाके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा अब यहाँ पर देयर फोर का साइन नोट करेंगे और जो लास्ट में हमारे पास दो ब्रैकेट में वैल्यू आई है उसे नोट करेंगे क्या है टू ए माइनस थ्री बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है सिक्स ए प्लस फाइव बी अब ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स तो इसे नोट करेंगे ब्रैकेट में और बी की प्लेस में ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन नोट कर देंगे यहां पर टू दिया हुआ है तो इसको वैसे ही नोट करेंगे ए की प्लेस में हमारे पास क्या है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायेयर प्लस सेवन एक्स तो ए एक की प्लेस में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स आ गया माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट करेंगे और क्या दिया हुआ है थ्री थ्री वैसे ही नोट करेंगे और बी की प्लेस में हमारे पास क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन तो ये नोट कर देंगे और फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे अब इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है सिक्स ए प्लस फाइव तो यहाँ पर सिक्स वैसे ही नोट करेंगे ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेर प्लस सेवन एक्स और प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट कर देंगे फाइव वैसे ही रहेगा और बी की प्लेस में हमारे पास क्या है टू टू एक्स माइनस वन इसे नोट कर देंगे और बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे अब यहां पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर क्योंकि ये ब्रैकेट हमें स्मॉल वाला हटाना है यहां से रिमूव करना है प्लस का साइन वैसे ही रहेगा टू का मल्टीप्लाई सेवन में करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टीन और एक्स वैसे ही नोट कर देंगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करेंगे थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा सिक्स एक्स थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो सिक्स आएगा एक्स वैसे ही नोट कर देंगे माइनस थ्री दिया हुआ है माइनस वन दिया हुआ है तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में सेम साइन हमेशा प्लस में कन्वर्ट होते हैं थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो थ्री रहेगा और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट कन्वर्ट हो गया सिक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे सिक्स का मल्टीप्लाई सेवन में करेंगे कितना आएगा अपने पास फोर्टी टू और एक्स दिया हुआ है तो एक्स नोट कर देंगे ओके okay? अब फाइव का मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म में करना होगा प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट कर देते हैं क्योंकि टू एक्स के आगे कोई साइन नहीं फाइव की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा टेन और एक्स वैसे ही नोट कर देंगे प्लस फाइव का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा और वन से मल्टीप्लाई करने में फाइव चेंज नहीं होगा वैसे ही रहेगा फाइव के टेबल वन टाइम पढ़ेंगे फाइव ही रहेगा और यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया अब इसके बाद जो सेम नेचर के उन्हें और सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है और फर्स्ट ब्रैकेट में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर रिपीट नहीं हुआ इसको वैसे ही नोट कर देंगे ये रहेगा टू एक्स स्क्वायेयर और प्लस फोर्टीन एक्स दिया यहाँ पर माइनस सिक्स एक्स दिया तो फोर्टीन में से सिक्स माइनस कर देंगे तो कितने एक्स बचेंगे अपने पास एट एक्स तो एट एक्स नोट करेंगे और बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है प्लस का तो प्लस का साइन नोट कर देंगे अब प्लस थ्री वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि इसके नेचर का कोई और नहीं है ब्रैकेट क्लोज हो गया अब सेकेंड ब्रैकेट भी वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर रिपीट नहीं हुआ तो इसको वैसे ही नोट कर देंगे सिक्स एक्स स्क्वायर और एक्स रिपीट हुआ है यहाँ पर फोर्टी टू एक्स है और यहाँ पर टेन एक्स है दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों को ऐड करेंगे सेम साइन वालों को ऐड किया जाता है तो प्लस का साइन दोनों में है तो प्लस का साइन आ जाएगा टोटल कितने एक्स हो गए फोर्टी टू यहाँ है टेन यहाँ है टोटल हो गए फिफ्टी टू यहाँ पर फिफ्टी टू एक्स हो जाएगा माइनस फाइव वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि इसके नेचर का भी कोई और नहीं दिया एंड दिस इज़ आर फाइनल आंसर नाइन का थर्ड पॉइंट भी सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमें एज्यूम करना होगा ताकि ये एक्सप्रेशन छोटी हो जाए और फिर इसके बाद में हम इसे फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायेयर माइनस टू एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसे हम ए एज्यूम कर लेंगे जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दे रखे उसे हमें एज्यूम करना होगा ए बी सी जो भी आप एज्यूम करना चाहो अब इसके बाद कोई और वैल्यू तो उन्होंने दी नहीं है एक्स स्क्वायेयर माइनस टू एक्स ही दोनों साइड दिया है तो इसका मतलब कोई और वैल्यू है नहीं अब इसके अलावा कोई और वैल्यू उन्होंने नहीं दी है तो यहाँ पर सिर्फ ए ही रहेगा इसके बाद सेम वैसे ही करेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिखा है ब्रैकेट में वहां पर हम ए लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले ही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ब्रैकेट में तो इसकी प्लेस में आ जाएगा ए और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर नोट कर देंगे माइनस ट्वेंटी थ्री दिया है ट्वेंटी थ्री वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दिया है ब्रैकेट में तो इसकी प्लेस में हमारे पास ए आ जाएगा और प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी वैसे ही रहेगा अब इसके बाद फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस का साइन वैसे ही रहेगा ए के आगे कोई भी डिजिट या नंबर नहीं दिया हुआ है जिससे हम वन ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करें यहाँ वन से मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंज नहीं होता तो वन हंड्रेड ट्वेंटी को हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ पर वन ट्वेंटी को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया है अब सेंटर में हमें कितना चाहिए ट्वेंटी थ्री इसके लिए अगर हम फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में करें तो ये हो जाएगा फिफ्टीन तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एट टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो फोर और फोर का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो एट आएगा अब एट और फिफ्टीन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ट्वेंटी थ्री आ जाएगा ट्वेंटी थ्री की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे फिफ्टीन प्लस एट और ए वैसे ही रहेगा प्लस का साइन बनाएंगे 120 हंड्रेड ट्वेंटी वैसी रहेगा अब सेम वैसे ही है यहां पर ए स्क्वायर ही रहेगा माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे 15 ए नोट कर देंगे अब प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और एट ए वैसे रहेगा प्लस का साइन बनाएंगे और 120 हंड्रेड ट्वेंटी वैसे रहेगा यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स क्या है ए स्क्वायर माइनस फिफ्टीन है इन दोनों में क्या कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन अल्फाबेट में ए कॉमन है तो यहाँ ब्रैकेट ऑन करेंगे कॉमन लेने के बाद यहां पर ए टू है तो एक ए ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस फिफ्टीन नोट कर देंगे ए से ए कैंसिल हो गया माइनस का साइन वैसे ही रहेगा अब यहां पर एट ए दिया हुआ है और यहाँ पर वन हंड्रेड ट्वेंटी दिया है तो इन दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कॉमन है एट एट से एट डिवाइड होगा वन टाइम में एट की टेबल में एट आता है और एट से वन हंड्रेड ट्वेंटी भी डिवाइड हो जाएगा फिफ्टीन टाइम्स में ओके तो यहाँ पर एट कॉमन है और ब्रैकेट ऑन करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एट से एट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा और सेकेंड टर्म में हमारे पास वन ट्वेंटी दिया है तो एट से हम वन ट्वेंटी को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा फिफ्टीन टाइम्स में और साइन कौन सा आएगा माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस में और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा अब ए माइनस फिफ्टीन यहाँ पर रिपीट हो रहा है ए माइनस फिफ्टीन वैसे ही नोट कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा ए माइनस एट दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास ए माइनस एट आ गया ए जिसकी प्लेस में हमने एज्यूम किया उसे हमें नोट करना होगा यहाँ पर देयर फोर का साइन बनाएंगे और जो भी वैल्यू हमारे पास लास्ट में आई है उसे नोट कर देंगे ए माइनस फिफ्टीन पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आया है ए माइनस एट अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स ओके और माइनस फिफ्टीन यहाँ पर दिया है तो माइनस फिफ्टीन लिख देंगे इसके आगे कोई और वैल्यू दे नहीं रखी इसलिए ब्रैकेट में इसको नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे अगर ए के आगे कोई भी डिजिट लिखा होता तब हम ए की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर नोट करते तो अब हमें ए की वैल्यू को ब्रैकेट में नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर एक ही ब्रैकेट के अंदर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को नोट कर देंगे जो हमारे पास आ रही है अब यहां पर भी एक ही वैल्यू हम पुट करेंगे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एट तो दो एक्सप्रेशन हमारे पास फिर से आ गई तो इसे हमें वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे यहां पर हमारे पास क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे माइनस का साइन नोट करेंगे और ये एक्सप्रेशन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे सॉल्व वन टू थ्री फोर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ना इसी तरीके से इसको भी करना है तो फिफ्टीन को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करना है कि ऐड और लेस करने पर हमारे पास टू आए यहाँ पर हम फिफ्टीन को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास थ्री और फाइव आएगा सिंपल है हमें क्या लाना है सेंटर में टू तो फाइव में से थ्री माइनस कर दें तो हमारे पास टू आ जाएगा ओके okay, तो इसे डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिना प्राइम फैक्टराइज किए तो यहाँ पर टू की प्लेस में हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में फाइव माइनस थ्री और एक्स बाहर नोट कर देंगे माइनस फिफ्टीन वैसे रहेगा अब यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया इसलिए इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें बिग ब्रैकेट में क्लोज करना होगा सेकेंड एक्सप्रेशन को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे अब हमें एट को प्राइम फैक्टराइज करना होगा और एड और लेस करके टू लाना होगा सेंटर में हमें कितना लाना है टू और हमारे पास क्या है? टू इंटू टू इंटू टू तो कैसे आएगा टू टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो फोर आएगा और फोर में लास्ट वाला टू अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास टू आ जाएगा टू की प्लेस में हम क्या नोट करेंगे फोर माइनस टू और एक्स बाहर रहेगा माइनस एट भी वैसे रहेगा और इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज करना होगा अब इसके बाद इसे फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे बस लेंदी है प्रोसेस वही है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म वैसे रहेगा एक्स स्क्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा, फाइव एक्स माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में और ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन वैसे रहेगा अब यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया तो इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे सेम ऐसे इसे भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वे माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे फोर एक्स वैसे रहेगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और टू एक्स आ जाएगा माइनस एट ही नोट करेंगे लास्ट वाला टर्म और इसे भी क्लोज कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इसमें कॉमन क्या है एक्स ब्रैकेट ऑन करेंगे इसके बाद और जो कॉमन लेने के बाद बच रहा है उसे ब्रैकेट में नोट करना होता है तो एक्स की पावर टू है यहाँ पर वन यूज हो चुकी है तो एक्स वैसे ही लिख देंगे माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट कर देंगे फाइव वैसे ही रहेगा और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया फर्स्ट टू टर्म हमारे सॉल्व हो गए इसी तरीके से लास्ट वाले जो टू टर्म्स हैं उनको भी सॉल्व करना होगा यहाँ पर प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे थ्री की टेबल में थ्री भी आता है और फिफ्टीन भी आता है तो यहाँ पर थ्री कॉमन है ओके okay, तो यहाँ पर थ्री नोट कर देंगे अल्फाबेट में कुछ भी कॉमन नहीं है ब्रैकेट ऑन करेंगे थ्री से थ्री यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्या बचा एक्स माइनस का साइन रहेगा क्योंकि प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस में और थ्री की टेबल में कितने टाइम्स में फिफ्टीन आता है फाइव टाइम्स में अब यहाँ पर वापस स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ओके okay. अब सेम ऐसे ही दूसरी एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व करेंगे कॉमन लेकर तो फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स तो यहाँ पर कॉमन क्या है हमारे पास एक्स और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x माइनस फोर ओके x एक्स यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे टू एक्स माइनस एट में क्या कॉमन है तो यहाँ पर टू की टेबल में टू भी आता है और एट भी आता है तो टू कॉमन हो गया अब जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर हमें नोट करना होगा अब यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है यहां पर हमारे पास टू एक्स है प्लस का और यहाँ पर प्लस टू है तो टू से टू कैंसिल हो गया वन टाइम में सिर्फ एक्स बचा यहाँ प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में टू की टेबल में एट कितने टाइम्स में आता है फोर टाइम्स में और इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अब ये लास्ट स्टेप है अब यहाँ पर जो भी कॉमन है उसे हमें वन टाइम लिखना होता है और जो कॉमन नहीं होता तो उसे सेकंड ब्रैकेट में नोट करना होता है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास x माइनस फाइव रिपीट हो रहा है तो ये एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस थ्री जो रिपीट नहीं हुआ जो कॉमन नहीं है यहाँ पर हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है x माइनस फोर तो x माइनस फोर नोट कर देंगे और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास x प्लस टू तो x प्लस टू ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एंड दिस इज आर फाइनल आंसर फोर्थ पॉइंट भी सेम ऐसे ही है यहाँ पर भी सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा लेट पहला ब्रैकेट क्या है हमारे पास x प्लस टू वाई इसे हम a एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में अलग वैल्यू है वो क्या है टू एक्स प्लस वाई तो इसे हम b एज्यूम करेंगे अब जहां पर x प्लस टू वाई लिखा है ब्रैकेट में वहां पर हम a नोट करेंगे और जहां पर टू एक्स प्लस वाई लिखा है वहां पर b नोट कर देंगे सबसे पहले एक्सप्रेशन में एक्स प्लस टू बाई दिया हुआ है ब्रैकेट में तो यहाँ पर हम ए नोट कर देंगे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस फाइव ही रहेगा यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स प्लस टू बाई तो इसकी प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वाई तो इसकी प्लेस में हम बी नोट कर देंगे प्लस सिक्स ही रहेगा और यहाँ पर टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसकी प्लेस में हम बी नोट करेंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर नोट कर देंगे फर्स्ट टर्म वैसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर हमें सिक्स को प्राइम फैक्टराइज करना होगा और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद डिजिट को एड और लेस करके फाइव लाना होगा जब हम सिक्स को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास टू और थ्री आएगा तो टू और थ्री इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइव आ जाएगा टू में हम थ्री ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव फाइव की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे थ्री प्लस टू और ए बी दिया हुआ है तो ए बी नोट कर देंगे प्लस सिक्स बी स्क्वायर वैसे रहेगा और फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा थ्री ए बी और प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट करेंगे टू ए बी वैसे ही नोट कर देंगे प्लस सिक्स बी स्क्वायर वैसे रहेगा अब सबसे पहले कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी में तो यहाँ पर ए कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हम क्या नोट करेंगे ए बचेगा हमारे पास और प्लस का साइन नोट करेंगे यहाँ पर थ्री वैसे रहेगा ए से ए कैंसिल हो गया और बी बचेगा प्लस का साइन वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर क्या कॉमन है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में देख लेते हैं टू टू की टेबल में टू आता है और सिक्स आता है तो टू यहाँ पर कॉमन है और बी कॉमन है ए नहीं रिपीट हुआ तो बी कॉमन है तो बी यहाँ पर नोट कर देंगे अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा ए प्लस का साइन वैसे ही रहेगा अब टू की टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में और बी स्क्वायर यहाँ पर है बी यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक बी नोट कर देंगे ए प्लस थ्री बी यहाँ पर कॉमन है तो इसे नोट करेंगे ए प्लस थ्री बी और जो कॉमन नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में नोट कर देंगे यहाँ पर ए और यहाँ पर प्लस टू बी कॉमन नहीं लास्ट में हमारे पास जो भी आया वो नोट करेंगे ए प्लस थ्री बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस टू बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स प्लस टू वाई यहां पर हम नोट करेंगे एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री वैसे ही नोट करेंगे और बी की प्लेस में हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस वाई तो थ्री यहां पर दिया हुआ है बी के आगे इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करना होगा यहाँ पर ए हमने किसकी प्लेस में एज्यूम किया था एक्स प्लस टू वाई ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एक्स प्लस टू वाई नोट कर देंगे ब्रैकेट में नोट करना चाहते तो हैं ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं प्लस का साइन वैसे ही नोट करेंगे और थ्री के बाद ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है क्यूँकी थ्री से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस वाई में ओके तो इसे ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है मैंडेटरी है इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स प्लस टू वाई प्लस का साइन वैसे रहेगा टू वैसे ही नोट कर देंगे और टू के बाद ब्रैकेट ऑन करना मैंडेटरी हो जाएगा क्यों क्योंकि बी यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है दो टर्म है तो उनका मल्टीप्लाई में टू से करना होगा तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है टू एक्स प्लस वाई ओके तो सिंपल है अगर आप ब्रैकेट दोनों में लिखना चाहो तो लिख सकते हो अब यहाँ पर इसे और सॉल्व करेंगे अपने पास कितना आएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स में करेंगे थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्स एक्स वैसे रहेगा प्लस का साइन दोनों साइड है तो प्लस का साइन ही रहेगा थ्री का मल्टीप्लाई अब हम वाई में भी करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट में ये आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में अब इसी तरीके से यहाँ पर एक्स प्लस टू वाई से ब्रैकेट हट सकता है प्लस टू का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो इससे भी ब्रैकेट हट जाएगा टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा फोर और एक्स दिया हुआ है तो एक्स नोट कर देंगे अब टू का मल्टीप्लाई हमें वाई में करना होगा प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट कर देंगे ये हो जाएगा टू वाई और इसे भी स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे अब इसके बाद एक और स्टेप बचा है बस फिर इसके बाद फाइनल आंसर अपना आ जाएगा अब सेम नेचर वालों को हमें एड और लेस करना होता है तो यहाँ पर सिक्स है और यहां पर वन है टोटल कितने एक्स हो गए सिक्स प्लस वन मतलब सेवन एक्स इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कितने एक्स हैं? एक ये है और सिक्स ये है तो टोटल कितने हो गए सेवन एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा थ्री प्लस टू मतलब फाइव वाई और दोनों ही प्लस के साइन के साथ हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसी तरह से यहां पर भी सेम नेचर वालों को ऐड करना होगा यहां पर फोर एक्स है यहाँ पर वन एक्स है इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब ये वन एक्स है क्योंकि वन टाइम बना हुआ है तो फोर और वन टोटल कितने एक्स हो गए यहाँ पर फाइव एक्स प्लस का साइन दिए हुए हैं दोनों साइड तो प्लस का साइन आ जाएगा बाय में टू बाय और टू बाय टोटल कितने हो गए फोर बाय टू में टू ऐड कर दिए तो टोटल इस पूरे ब्रैकेट में कितने बाय हैं टू प्लस टू मतलब फोर बाय ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टेन में हमारे पास फोर पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर भी हमें फैक्टराइज करना है हर एक एक्सप्रेशन को तो यहाँ पर यह डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर वन थर्ड दिया हुआ है तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसके बाद इसे फैक्टराइज करेंगे ओके okay. सो so पहले हम इसे रफ में देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये एक्सप्रेशन हमें दे रखी है फर्स्ट पॉइंट में टेन के सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम जीरो से इक्वेट करेंगे क्या दिया हुआ है वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल जीरो ओके इसे हमने जीरो से इक्वेट कर दिया अब इक्वेट करने के बाद हमें एलसीएम लेना होगा यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में थ्री दिया हुआ है बाकी दो टर्म में हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है डिनोमिनेटर की प्लेस में तो इसके नीचे वन एज्यूम कर लेंगे अब इसके बाद यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होता है यहाँ पर थ्री आ जाएगा एलसीएम क्योंकि बाकी सब में वन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा इन टू डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया हुआ है थ्री और यहाँ पर एलसीएम भी हमारे पास थ्री आया तो थ्री की टेबल में थ्री कितने टाइम्स में आएगा वन टाइम में तो इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारे पास जो भी दे रखा है इसे वैसे ही नोट कर देंगे टू एक्स वैसे रहेगा मल्टीप्लाई का साइन नोट करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास वन दिया हुआ है और एलसीएम हमारे पास थ्री आया है वन थ्री को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा थ्री टाइम्स में तो यहाँ पर थ्री आ गया माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे नाइन दिया हुआ है तो नाइन नोट करेंगे मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और वन से थ्री को डिवाइड करेंगे तो थ्री टाइम्स में डिवाइड होगा सिंपल है जहाँ सेम नहीं है वहाँ पर सेम करना होगा तो यहाँ तो वन है वन से कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है थ्री टाइम्स में और जहाँ पर थ्री था वहाँ एग्जैक्ट सेम हो गया वहाँ पर वन नोट कर देंगे अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस नाइन की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी सेवन इक्वल का साइन वैसे ही रहेगा जीरो वैसे ही रहेगा और ये जो थ्री दिया हुआ है डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में दिया हुआ है यहाँ पर तो इसे दूसरे साइड पहुँचाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में चला गया और मल्टीप्लाई के साइन के साथ क्योंकि यहाँ डिवाइड में था ओके okay. अब इसके बाद अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो ही रहेगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन इसे कंप्लीट एक्सप्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर आप ऐसे भी समझ सकते हैं थ्री का मल्टीप्लाई यहाँ पर थ्री दिया हुआ है इसको छोड़कर बाकी सब में अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स थ्री का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो सिक्स आएगा और एक्स वैसे ही नोट कर देंगे माइनस का साइन दें तो माइनस का साइन नोट कर देंगे और थ्री की टेबल नाइन टाइम पढ़ेंगे कितना आएगा ट्वेंटी सेवन ओके तो मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसे रिटेन कर पाओ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे है. ओके तो इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट नहीं करनी इसके वन थर्ड की करनी लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे इसे सॉल्व इसलिए हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया कम्प्लीट एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं करना है यहाँ पर हमें किसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वन थर्ड इस पूरे का वन थर्ड तो यहाँ पर हम लिख देंगे वन बाय थ्री किसका वन बाय थ्री एक्स स्क्वेर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वन बाय थ्री इस पूरे में कॉमन है ओके तो वन बाय थ्री तो हमें लिखना होगा क्योंकि हमें इसके वन थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब इसके आगे सेम वैसे ही है जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर हमारे पास वन बाय थ्री आ जाएगा फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर देंगे हम माइनस का साइन भी वैसे ही रहेगा ट्वेंटी सेवन को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है तो जब हम ट्वेंटी सेवन को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आएगी अब हमें सेंटर में कितना लाना है सिक्स ओके okay. तो यहाँ पर थ्री की टेबल अगर हम थ्री टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास नाइन आ जाएगा और नाइन में अगर हम थ्री माइनस कर दें तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा तो यहाँ पर सिक्स की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे नाइन माइनस थ्री और एक्स ही रहेगा माइनस ट्वेंटी सेवन भी वैसी रहेगा यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज करना होगा एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नाइन एक्स यहाँ पर डबल माइनस के साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और थ्री एक्स वैसे रहेगा माइनस ट्वेंटी सेवन नोट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसके बाद वन बाय थ्री वैसे ही रहेगा यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायेर माइनस नाइन एक्स इसमें क्या कॉमन है एक्स और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होता है जो कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या बच रहा है एक्स माइनस और नाइन इसी तरीके से प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन में थ्री कॉमन है थ्री की टेबल में थ्री आता है और ट्वेंटी सेवन भी आता है ब्रैकेट ऑन करेंगे और थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक्स बचेगा प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया थ्री की टेबल में ट्वेंटी सेवन नाइन टाइम्स में आता है और पिग ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देंगे वन बाई थ्री वैसे ही नोट करेंगे और जो रिपीट हो रहा है वो हमारे लिए कॉमन होगा यहाँ पर एक्स माइनस नाइन हमारे लिए कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में नोट करना होता है तो यहाँ पर एक्स प्लस थ्री हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा तो दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टेन का सेकंड पॉइंट भी सेम वैसे ही है यहाँ पर हमें वन फोर्थ एक्सप्रेशन दे रखी है वन बाय फोर एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है तो इसे पहले कंप्लीट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर इट सिंपलाइज दैट का साइन आएगा एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा इसके नीचे फोर है और बाकी जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में सेकेंड टर्म में जब हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा फोर एक्स ओके फोर का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो फोर एक्स हो गया माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट कर देंगे थ्री का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो हमारे पास ट्वेल्व आ जाएगा और अगर आप एल्शियम लेकर सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं यहां पर भी हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज नहीं करना है हमें वन फोर्थ एक्सप्रेशन चाहिए तो पहले वन फोर्थ जो एक्सप्रेशन दी हुई थी इसे हमने कंप्लीट में चेंज किया ताकि इसे सॉल्व किया जा सके क्योंकि अभी इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था ओके okay. अब इसके बाद इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसका कितना पार्ट हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है वन फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इसे हम ब्रैकेट में नोट कर देंगे अब सेम वैसे इसे फैक्ट्राइज करना है जैसे अभी तक कर रहे थे अब यहाँ पर वन बाय फोर वैसी रहेगा और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म भी वैसी नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का साइन वैसी रहेगा अब ट्वेल्व को हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा और एड और लेस करके हमें कितना लाना है फोर यहाँ पर थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो अपने पास सिक्स आएगा सिक्स में टू माइनस कर देंगे तो हमारे पास फोर आ जाएगा फोर की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं सिक्स माइनस टू ओके और x बाहर नोट कर देंगे माइनस ट्वेल्व वैसे रहेगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे वन बाय फोर को वैसे ही नोट करेंगे ब्रैकेट भी ऑन रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का साइन रहेगा वैसे ही सिक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स यहाँ पर रहेगा और माइनस ट्वेल्व वैसे ही रहेगा अब इसके बाद वन बाय फोर वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर प्लस सिक्स एक्स में कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वो नोट करेंगे जो कॉमन नहीं है तो यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स बचेगा माइनस का साइन वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर क्या कॉमन है टू तो टू नोट कर दिया और ब्रैकेट ऑन करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया एक्स बचा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में टू की टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आता है सिक्स टाइम्स में और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया अब ये आखिरी स्टेप है यहाँ पर क्या है वन बाई फोर वैसे ही नोट कर देंगे अब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है एक्स प्लस सिक्स इसका मतलब ये कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर नोट करना होता है दूसरे वाले तो एक्स माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टेन के थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है एट एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस फिफ्टीन एक्स वाई स्क्वायर तो इन सभी में एक्स कॉमन है वाई सब में नहीं है लेकिन x सब में तो सबसे पहले x को कॉमन ले लेते हैं ताकि इसे और इजिली सॉल्व किया जा सके अल्फाबेट में हमेशा कम वाली पावर को ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x वन टाइम है यही कॉमन हो जाएगा अब ब्रैकेट ऑन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जो बचा हुआ है तो यहाँ पर एट है अपने पास एक्स की पावर थ्री थी एक यूज हो गई तो कितना बचा एक्स की पावर टू थ्री में से वन माइनस कर देंगे तो एक्स की पावर टू बचे माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे और टू वैसे ही रहेगा डिवाइड करने में एक्स की पावर यहाँ पर भी कम हो गई सिर्फ वन और वाई वैसे ही रहेगा माइनस का साइन नोट करेंगे फिफ्टीन वैसे ही रहेगा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और वाई की पावर यहाँ पर टू हो गई एक्स कॉमन लेने के बाद अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे यहां पर एक्स वैसे ही रहेगा और फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर दें एट एक्स स्क्वायर माइनस का साइन वैसे ही रहेगा अब फिफ्टीन यहाँ पर दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म में हमारे पास एट है फिफ्टीन का मल्टीप्लाई एट में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी को हम वैसे ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे जैसे अभी एक बार पहले भी किया हुआ है और यहाँ पर भी हमें सेंटर में टू लाना है ओके तो कैसे आएगा टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे तो फोर आ जाएगा फोर की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे तो ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व लिख देंगे और यहाँ पर फाइव की टेबल टू टाइम्स पढ़ लीजिए या टू की फाइव टाइम तो हमारे पास टेन आ जाएगा ट्वेल्व में टेन माइनस करेंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा यहाँ पर टू की प्लेस में हमारे पास क्या आएगा ट्वेल्व माइनस टेन और एक्स वाई बाहर ब्रैकेट के नोट कर देंगे इसे इग्नोर मत करिएगा नहीं तो आपका आंसर रोंग हो जाएगा ओके तो एक्स वाई दिया हुआ है एक्स वाई भी नोट करना होगा माइनस फिफ्टीन वैसे रहेगा और वाई स्क्वायर भी वैसे ही नोट कर देंगे अब इसके बाद एक्स ही रहेगा एट एक्स स्क्वायर वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स वाई और यहाँ पर डबल माइनस के साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और टेन एक्स वाई हो जाएगा माइनस फिफ्टीन वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा अब एक्स वैसे ही रहेगा ब्रैकेट ऑन करेंगे एट एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई में हमें कॉमन लेना होगा तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन लेंगे फोर की टेबल में एट भी आता है और ट्वेल्व भी आता है तो यहाँ पर फोर कॉमन हो जाएगा और एक्स कॉमन हो जाएगा और जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर नोट करेंगे फोर की टेबल में एट टू टाइम्स में आता है यहाँ पर एक्स की पावर टू है एक कम हो गई तो एक्स बचा माइनस फोर की टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में आता है थ्री एक्स से एक्स कैंसिल हो गया सिर्फ वाई बचेगा अब प्लस का साइन वैसे ही नोट कर देंगे इनमें क्या कॉमन है तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले देखते हैं यहाँ पर टेन दिया है यहाँ फिफ्टीन दोनों फाइव की टेबल में आ जाएंगे और y इनमें कॉमन है तो y नोट कर देंगे अब फाइव वाई से अगर हम टेन एक्स वाई को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा फाइव के टेबल में टेन टू टाइम्स में आता है वाई से वाई कैंसिल हो गया एक्स बचा प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होते हैं फाइव की टेबल में फिफ्टीन थ्री टाइम्स में आता है और y की पावर यहाँ टू है तो वन बची और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अब x वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो हमारे लिए कॉमन है क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इसको एक ब्रैकेट में नोट करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास फोर एक्स प्लस फाइव वाई जो कॉमन नहीं एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टेन के फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है नाइन एक्स क्यूब वाई प्लस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स वाई क्यूब अब इन सभी में क्या कॉमन है एक्स और वाई सब में दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन अल्फाबेट में है जो कॉमन है उसे हम पहले नोट कर देंगे यहाँ पर एक्स और वाई नोट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर क्या नोट करेंगे नाइन ही रहेगा फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर थ्री थी वन माइनस हो गई तो एक्स की पावर टू बची और वाई से वाई कैंसिल हो गया प्लस का साइन वैसे ही रहेगा फोर्टी वन सेकेंड टर्म में दिया हुआ है तो इसको वैसे ही नोट करेंगे x की पावर टू है तो वन बची और y की पावर भी टू है तो वन टाइम y आ जाएगा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नोट करेंगे और ट्वेंटी वैसे ही रहेगा x से x कैंसिल हो जाएगा y की पावर थ्री है तो टू बचेगी अब x y हम वैसे ही नोट कर देंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे उसी तरीके से जैसे अभी तक सभी को सॉल्व किया है फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का साइन बनाएंगे और लास्ट टर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ है ट्वेंटी और फर्स्ट टर्म में हमारे पास नाइन दिया हुआ है तो ट्वेंटी और नाइन का मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आएगा उसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा सो so, फर्स्ट और लास्ट टर्म में हमारे पास जो भी वैल्यूज दे रखी थी उनका मल्टीप्लाई करने में हमारे पास वन एट्टी आया और वन एट्टी को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी अब सेंटर में हमें क्या चाहिए फोर्टी वन और सब जगह प्लस के साइन दिए तो हमें ऐड ही करना होगा ओके टू की टेबल टू टाइम्स पढ़ें तो फोर आएगा फोर की टेबल थ्री टाइम्स काउंट करेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व और ट्वेल्व की टेबल थ्री टाइम्स काउंट करेंगे तो थर्टी सिक्स आएगा और थर्टी सिक्स में अगर हम लास्ट वाले फाइव को ऐड कर दें तो हमारे पास फोर्टी वन आएगा सो यहाँ पर फोर्टी वन की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे थर्टी सिक्स प्लस फाइव और एक्स वाई बाहर दिया हुआ है तो एक्स वाई नोट कर देंगे प्लस का साइन वैसे ही रहेगा रहे ट्वेंटी वाई स्क्वायर भी वैसे ही तो नोट कर देंगे एक्स और वाई वैसे ही नोट करेंगे फर्स्ट टर्म भी वैसे ही नोट कर देंगे नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स का एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थर्टी सिक्स एक्स वाई दोनों जगह प्लस का था। साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा फाइव एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर प्लस ट्वेंटी वाई स्क्वायर वैसे ही नोट कर देंगे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा अब एक्स वाई फिर से वैसे ही नोट करेंगे ब्रैकेट ऑन करेंगे नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एक्स वाई में हम कॉमन लेंगे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं नाइन कॉमन है यहाँ पर नाइन की टेबल में नाइन आता है और थर्टी सिक्स भी आता है और यहाँ पर एक्स कॉमन है नाइन से नाइन वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा एक्स की पावर यहाँ टू है टू में वन माइनस कर दी तो सिर्फ एक्स बचा प्लस का साइन वैसे ही रहेगा नाइन की टेबल में थर्टी सिक्स कितने टाइम्स में आता है फोर टाइम्स में तो यहाँ पर फोर नोट कर देंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया सिर्फ वाई बचेगा प्लस का साइन वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं पहले क्या कॉमन है फाइव फाइव की टेबल में भी फाइव आता है और फाइव की टेबल में ट्वेंटी भी आता है और क्या कॉमन है यहाँ पर वाई वाई नोट कर देंगे अब जो बचा है वो नोट कर देंगे फाइव से फाइव कैंसिल हो गया वाई से वाई एक्स बचा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही आएगा फ़ाइव की टेबल में ट्वेंटी कितने टाइम्स में आएगा फोर टाइम्स में और वाई की पावर यहाँ टू है तो so, टू में वन माइनस कर दे तो so सिर्फ वाई बचेगा अब इसके बाद एक्स वाई वैसे ही नोट करेंगे और जो कॉमन है उसे नोट कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है एक्स प्लस फोर वाई और जो कॉमन नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में नोट करेंगे दैट इज नाइन एक्स प्लस फाइव वाई एंड दिस इज आर फाइनल आंसर सो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट एट को हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर टेन तक सॉल्व किया हुआ है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कोई क्वेरी आपकी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो And subscribe our channel if you are new and watching first time. And hit the bell icon so that you never ever miss any update regarding all this kind of stuff. I'll come back with a new video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.